सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। वंस अगेन वी आर गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स। तो गाइज, आज सोचा है मैंने कि कुछ आप लोग को नया सिखाऊं, और नया सिखाने का मतलब ये है कि आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊं गाइज मैं आज आप लोग को, जो आपको देखने में तो लगेगा कि सब बहन भाई हैं, एक से देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो वर्ड्स जो है बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस है स्पेलिंग के अंदर, और बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। गाइज, आज मैं जिन वर्ड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहला वर्ड है हमारा टफ, और दूसरा वर्ड है दो, वर्ड है थॉट, चौथा वर्ड है थ्रू, थ्रू आउट। तो गाइज, आज हम इन वर्ड्स के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, और आगे तक बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखते रहिए। आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो गाइज, आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है टफ। टफ का मतलब होता है सख्त, मजबूत, कठोर। एग्जाम्पल, द लॉयर आस्क्ड सम टफ क्वेश्चंस, मतलब वकील ने कुछ सख्त क्वेश्चन पूछे। और आज का हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है टुडे वॉज अ वेरी टफ डे, आज का दिन बहुत सख्त दिन था। चलो, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है दो। दो का मतलब होता है हालांकि। एग्जाम्पल, दो ही इज़ वेरी ओल्ड बट ही इज़ हेल्दी, हालांकि वो उम्रदराज हैं लेकिन हेल्दी हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आज का हमारा वो, शी केप्ट वर्किंग दो शी वॉज टायर्ड, मतलब वो काम करती गई हालांकि वो थकी हुई थी। और आज का हमारा तीसरा वर्ड है गाइस वो है थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार। एग्जाम्पल, आई थॉट दैट बुक वॉज डिफ़िकल्ट टू रीड, मुझे लगा कि वो बुक पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्ट होगी, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं एकदम पढ़ता चला गया और पूरी बुक को पढ़कर ख़त्म कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल गाइस, दे कलेक्टेड ब्यूटिफुल थाट्स इन दियर डायरी, मतलब उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ख्यालों को अपनी डायरी में इकट्ठा किए हुए हैं, अपनी डायरी में जमा किए हुए हैं। और आज का हमारा जो चौथा वर्ड गाइस वो है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से या फिर के ज़रिए से। आई हर्ड अबाउट द प्रोग्राम थ्रू माई फ्रेंड, मतलब मैंने अपने दोस्त से प्रोग्राम के बारे में सुना, मतलब कोई भी प्रोग्राम ऐसा हुआ तो आपको पता नहीं था प्रोग्राम के बारे में, लेकिन आपके दोस्त ने आपको बताया गया प्रोग्राम तो बहुत ज़बरदस्त रहा, प्रोग्राम ऐसा रहा, तो आपने जो सुना आपने अपने दोस्त से सुना, तो आप तो इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देखते हैं गाइस, वी पास्ड थ्रू माई होम टाउन, मतलब हम अपने होम टाउन से होते हुए गुजरे, हम अपने होम टाउन से होते हुए निकले। और आज का हमारा जो पांचवा और सबसे लास्ट वर्ड है गाइस वो है थ्रू आउट। थ्रू, सभी तरह से या फिर हर एक जगह से। एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल गाइस, ही इज़ द फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब वो पूरी दुनिया में हर एक जगह पर वो फेमस है। दूसरा एग्जाम्पल गाइस, द रूमर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब अफवाह पूरे देश में फैल गई है, अफवाह पूरे देश में फैली हुई है, मतलब हर एक जगह पर फैली हुई है पूरी। लास्ट एग्जांपल, और वो एग्जांपल मैं देना चाहूँगा अपने घर के बारे में, क्योंकि मेरा घर अभी जल्दी ही पेंट हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ दे पेंटेड द हाउस थ्रू आउट, मतलब उन्होंने पूरे घर को पेंट किया है, पूरे तरीके से हर जगह को पेंट किया है। सो वेल बडीज, आई थिंक इट्स एनफ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग अभी से यूज़ करिए, अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर लाइए और अपने इंटरेक्शंस के अंदर लाइए, लोगों के सामने यूज़ करिए, एक दो सेंटेंस मुझको यूज़ करके बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके। थैंक यू, बाय।